दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट लिस्ट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप उन्हें अपना सीवी ऑनलाइन सेंड कर दीजिए। और सीवी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। पर आपने बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में, तो इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें? तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अली, आप देख रहे हैं नॉलेज राशन चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आइए जानते हैं स्टेप वन क्या है। स्टेप वन है फाइल मेन्यू पर क्लिक करना, एंड देन स्टेप टू है सेव एज पर क्लिक करना। स्टेप थ्री है वो जगह चूज करना जहां पर आपको फाइल सेव करनी है। स्टेप फोर, फाइल का नाम आप रख दीजिए, जैसे सलमान जॉब में इस फाइल का नाम देना चाहता हूं। स्टेप फाइव, आपको यहां पर सेव एज टाइप दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे आपको ये जगह दिखाई दे रही है, इस पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहां पर नीचे आकर पीडीएफ चूज कर लेना है। स्टेप सिक्स, आपको सेव पे क्लिक कर देना है, एंड हियर इट इज, आपकी फाइल यहां पर पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये फाइल आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका साइज यहां पर 100% पे कर सकते हैं, नो इश्यूज, एंड यू कैन सी द फाइल, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द नॉलेज राशन चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।